नमस्कार, मैं न्यूज अब तक के स्टूडियो से वरुण शर्मा और हमारे साथ बैठे हैं सतना के विख्यात आरटीआई कार्यकर्ता राजीव खरे जी। राजीव खरे जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज रूम में। और बड़ी बात सामने ये आती है कि आरटीआई को लेकर लोगों में अभी कहीं ना कहीं जागरूकता नहीं है। लोगों में ये देखा जाए तो ये बात सामने आती है कि आरटीआई के बारे में जानना तो लोग चाहते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते आरटीआई को लेकर। क्या लगता है सर, क्यों है ये स्थितियाँ, क्यों निर्मित है? इसके पीछे जो मुख्य कारण है, आप देख रहे होंगे अगर कोई भी योजनाएं आती हैं, कोई भी चीज़ आता है उसका एक प्रचार प्रसार होता है। आज तक में अभी तक का ये स्थिति है कि आरटीआई के बारे में कोई भी विज्ञापन आज तक कभी नहीं आता कि आरटीआई कैसे आपको लगाना है, कैसे आरटीआई में आपको एप्लीकेशन देना है, कितना फीस आपको जमा करना है, इस तरीके का कोई भी जानकारी आज तक नहीं दी जा रही है। तो जो भी व्यक्ति करते हैं वो अपने कहीं ना कहीं किसी से संपर्क करके उसके बाद वो लगा देते हैं, तो उनको बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब अगर ऐसी दिक्कतें खड़ी हो रही है तो जिम्मेदार कौन लोग हैं? जो प्रचार प्रसार नहीं हो रहा या इसकी आवश्यकता है, इस पर जोर ना देना, आपको क्या लगता है क्या कारण ऐसे है कि, और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? इसके सीधे सीधे जिम्मेदार शासन है, जो शासन में बैठे सत्ता में व्यक्ति हैं वो हैं, क्योंकि उनको जागरूकता के लिए उनको पहल करनी चाहिए थी ताकि लोगों को जागरूकता हो। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि इस पर कभी भी कोई एक वर्कशॉप नहीं होती। एक आप किसी भी चीज़ के लिए वर्कशॉप करते हैं, शासन में भी वर्कशॉप होती है कि आप अपने अधिकारियों को बताते हैं कि किस तरीके से आपको किस योजना पर काम करना है, इसको लेकर के कभी भी कोई भी वर्कशॉप भी नहीं होती सही तरीके से कि अधिकारियों को भी वो बताएं कि आरटीआई में हमको कैसे जानकारियां देना है, कैसे क्या करना है, वो भी कभी नहीं होता। ये देखा जाए तो आपने सतना के प्रदर्शन में कई काम किए हैं, कई जानकारियां आपने सतना के उसमें लाई। क्या लगता है कि ऐसी कौन कौन सी जानकारियां हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका लोगों ने राजनीतिक उपयोग किया और वो सही मायने में उनका मायने अर्थ सियासी मायने में ले लिया और उसका सही मायने में दूसरा अर्थ था? ऐसी कुछ है आपके पास चीज़ें जिनमें आपने खुलासा किया हो, लोग उसका राजनीतिक लाभ ले रहे हो? ऐसे कई चीज़ें हैं। अभी एक मैंने बहुत पहले इधर काम किया था, जो दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, इसको लेकर के शायद तो मैंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इन सारी गाड़ियों के स्टॉपेज किए जाएं। उसके बाद 2016 में रेल मंत्रालय ने सारी दुरंतों के जहाँ जहाँ टेक्निकल स्टॉपेज थे उनको कमर्शियल में कन्वर्ट किया। ये एक बड़ी चीज़ थी, पर इसके लिए राजनीतिक मंच से जो होना चाहिए वो ना होकर के सब उन्होंने कि भाई हमने ये सारा चीज़ किया है, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है कि अगर कोई कर रहा है तो उसको अप्रिसिएट होना चाहिए। अभी यहाँ पर मैं मेडिकल कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ, उस पर भी कोई राजनेता आगे नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन वो मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा उस दिन शायद हमको लगता है सारे राजनेता कि हाँ हमने ये प्रयास किया। और ये तो एक बहुत बड़ी विडंबना आ रही है। मेडिकल कॉलेज के लिए आपने मुहिम चलाई, बाकायदे किया, सत्ता पक्ष के लोग माने या विपक्ष के लोग माने, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति मेडिकल कॉलेज के लिए सीरियस है। देखा जाए तो आज हमारे शहर में जनप्रतिनिधि भी परेशान है, पूरी जनता परेशान है, जबलपुर नागपुर इन पर डिपेंड है, वहां जाकर उनका खून चूस लेते हैं वहां के लोग। एक मेडिकल कॉलेज के लिए सबसे मानवता से जुड़ा है, आपने प्रयास शुरू किया था, अब स्थितियां क्या है आज की डेट में? स्थितियां तो मुझे लग रही जहां से मैंने शुरू किया था वहीं पर हूं मैं। मेडिकल कॉलेज के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसके अंतर्गत रेफरल स्कीम में उन्होंने बोला था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जाएगा, और ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी मुहिम थी। और उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेज चुने गए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि वो 7ों के 7 VVIP सांसद के लिए आते हैं, जैसे वो विदिशा चुना गया है या गुना चुना गया है या उसके बाद शिवपुरी चुना गया या छिंदवाड़ा चुना गया है। सतना में इसके लिए राजनीतिक जो पहल होनी चाहिए वो आज तक नहीं हुई है, और मेडिकल एक ऐसी सुविधा है कि इसके लिए आज अगर किसी को सिर में चोट लग जाती है, कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो उसको जबलपुर जाना पड़ता है या नागपुर जाना पड़ता है। अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो वो शायद बच जाता है, अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर आज हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज की सुविधा हो जाएगी तो बहुत सारे लोगों का हम जीवन बचा सकते हैं। चूँकि इस पर राजनीतिक परिदृश्य में स्थितियाँ ये हैं कि हमारे जितने भी राजनेता हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष, वो इस पर उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है जैसा कि होना चाहिए। अगर ये सारे राजनेता एकजुट होकर के एक मंच पर ये इसके लिए आ जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये बहुत दूर होगा हमसे, हम बहुत जल्दी इसको पा सकते हैं। अब आपके लेवल पे वर्तमान में क्या प्रयास चल रहे हैं और वर्तमान में आप क्या लाने वाले हैं? इस सतना शहर के लिए व्यक्तिगत बात करें, मेडिकल कॉलेज है, कहाँ तक आप पहुँचे हैं इस पर अभी, क्योंकि आप लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं और बड़ा मुश्किल भी मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष से विपक्ष आपके साथ है नहीं,
फिर भी कहाँ तक पहुँचे ये भी जानना जरूरी है। इसके लिए मैंने हस्ताक्षर अभियान चला करके रखा हुआ है और बराबर पत्राचार भी किया है, जिस पर मैंने जो चिकित्सा राज्य मंत्री केंद्र सरकार के थे फगन सिंह कुलस्ते, उनसे मैंने व्यक्तिगत मुलाकात किया था और उन्होंने भारत सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था। लेकिन बहुत मज़ेदार चीज़ उसमें यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उसी पत्र को वापस उनको भेज दिया केंद्र को और बोले आप इसमें अपना अभिमत दीजिए। चूँकि जो रेफरल स्कीम है उसमें प्रावधान ये है कि मध्य प्रदेश सरकार या जो भी संबंधित राज्य है वो केंद्र को बताएगा कि हमको यहाँ पर आवश्यकता है और उसके बाद केंद्र उस पर काम करेगा। तो मध्य प्रदेश की कैबिनेट से आज तक सतना के नाम से मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्ताव जा ही नहीं रहा है, तो इसलिए आने की वो स्थिति नहीं बन पा रही है। हालांकि मैं अपनी तरफ से मैंने हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है और मेरा ये उस पर यह है कि अगर मैंने 1,00,000 हस्ताक्षर अभियान पूरे कर लिए तो वो 1,00,000 हस्ताक्षर देश के प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को और मध्य प्रदेश के सीएम को भेजूंगा कि ये 1,00,000 जनता चाह रही है यहाँ मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता। और इस पर आपसे अनुरोध है कि कम से कम उनकी अनदेखी मत करें, क्योंकि जनता अगर परेशान हो जाएगी तो वो विकल्प तलाशेगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और ये हमारे राजनेताओं को सोचना चाहिए कि हमने जनता के लिए हम आए हैं और हमको जनता की सुविधाओं को पहले ध्यान देना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पर तो उनको काम करना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखती है कि जनता को उन्होंने कोई ऐसी उपलब्धि दी है इन विगत वर्षों में। निश्चित रूप से कोई उपलब्धि सतना में नहीं है। अब आप ये बताइए, आप भी कुछ और भी धमाकेदार काम करने जा रहे हैं, उसका जिक्र बीच में भी आया था, ऐसे क्या काम है जो आप करने जा रहे हैं, हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। अभी मैं एक बहुत बड़े मुद्दे पर काम कर रहा हूँ, आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर ये होता है कि एक एक सांसद या MLA जो हैं वो दो दो सीटों पर इलेक्शन लड़ने जाते हैं, और होता ये है कि उसके बाद अगर आप दोनों सीट जीत जाते हैं तो आप एक सीट रिक्त कर देते हैं। उस खाली सीट पर अगर एक MLA का दोबारा इलेक्शन कराती है गवर्नमेंट तो उसमें कम से कम 55 से 60 लाख रुपये गवर्नमेंट का खर्च होता है। इसी तरह से MP की एक सीट पर दोबारा इलेक्शन कराने में 1.5 से 2 करोड़ रुपये खर्च होता है। वो जो पैसा है वो कहीं ना कहीं जनता का पैसा है। उसको लेकर के मैंने पूरा अभी RTI में सारा रिकॉर्ड निकाला हुआ है, उत्तर प्रदेश इलेक्शन का निकाला है, मध्य प्रदेश के इलेक्शन का निकाला है जिसमें शिवराज सिंह 2 सीटों पर लड़े थे, उत्तर प्रदेश से भी नरेंद्र मोदी जी 2 सीटों पर इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, एक बनारस से MP का लड़ा था और एक गुजरात की सीट से लड़ा था। ऐसे मुलायम सिंह जी ने 2 सीटों पर MP का इलेक्शन लड़ा और इन्होंने दोनों सीटें जीतने के बाद 1 सीट खाली कर दी। ऐसे विधानसभा में उत्तर प्रदेश में करीब 12 सीटें मैंने चिन्हित की जिनका डिटेल निकाला है, जिनमें उमा भारती जैसे बड़े राजनेता हैं जो MLA थे और उसके बाद फिर लोकसभा इलेक्शन में MP बन गए हैं। तो वो पूरा डाटा मैंने इलेक्शन कमीशन को, भारत सरकार को, सबको भेजा है कि आप इस पर विचार करें, क्योंकि ये जनता का पैसा कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है और इसको रोकना चाहिए। अगर इनको दूसरी सीट पर लड़ना है और 2 सीटें जीतते हैं तो उस रिक्त सीट का पैसा या तो इनकी पार्टी वहन करे या ये वहन करे। एक अंतिम सवाल राजीव जी की, शहर की जनता से, खास करके मध्य प्रदेश की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, RTI की परिप्रेक्ष्य में, आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या विचार है आपके, क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर RTI में बोले या राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, दोनों में मैं कहना चाहूँगा कि हमको, हमारे जो राजनेता हैं उनको भी, हमारी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ईमानदार व्यक्ति राजनीति में आए, और जनता को भी ईमानदार लोगों को चुनना चाहिए ताकि वो उनके लिए कुछ काम कर सकें, जातिवाद इन सब चीज़ों से उठ करके काम करना चाहिए। और RTI पे जो काम कर रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी ईमानदारी से काम करें ताकि लोगों पर विश्वास उनका बना रहे और सरकार को कि RTI के प्रति जो जानकारियां हैं वो जनता तक पहुंचाएं ताकि जनता अपने अधिकार के लिए काम कर सके। अभी चूँकि अधिकार का जानकारी ही नहीं है, हमको कैसे RTI करना है उसकी जानकारी नहीं है, हमारी प्रथम अपील कहाँ होगी उसकी जानकारियां नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को सरकार को करना चाहिए ताकि जनता अपने हित के लिए, अपने अधिकार के लिए काम कर सके और स्वस्थ राजनीति हो, स्वच्छ हमारा विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, काफ़ी अच्छी जानकारियाँ इन्होंने RTI के बारे में दी। और सीधे तौर पे एक सवाल खड़ा किया है कि यहाँ के जो सतना के राजनेता हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनको ध्यान देने की जरूरत है आज यहाँ की जनता की सुविधाओं पे। बिल्कुल सही मायने में सही बात ये सामने आती है, कितने साल हो गया देखा जाए तो यहाँ के नेता सिर्फ श्रेय लेने की होड़ है, कहीं ब्यूरोक्रेसी हावी है, कहीं नेता का ईगो हावी है और इस ईगो में और ब्यूरोक्रेसी के बीच पिस रही है तो वो है जनता। और एक बड़ा सवाल ये उठता है, कितने सालों से गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश में लेकिन आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं आ पाया,
कुल मिलाकर अगर पिस रही है तो जनता, और सतना शहर के हालात ये हैं कि जिस दिन अगर जनता जाग गई तो बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं न्यूज अब तक के न्यूज रूम से वरुण शर्मा।